तो उम्मीद है अब आपको अच्छे से स्क्रीन भी दिख रही होगी, आवाज़ भी आ रही होगी। स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकोनॉमी का पहला लेक्चर है ये। जैसा मैंने आपको बताया कि जनरली इकोनॉमी को एक काफ़ी डल सा बोर सा सब्जेक्ट समझते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म में बताने की, क्योंकि ये इंडियन इकोनॉमी के बारे में है तो आपको बहुत सारे नए फैक्ट्स पता चलेंगे, कई सारी डेटा पता चलेंगे, काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि अपने देश के बारे में आपको एक नए नज़रिए से, नए दृष्टिकोण से जानने का मौका मिलेगा। आप अपने देश को इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, आप अपनी देश की स्ट्रेंथ और वीकनेस को, अपने जीडीपी को, अपनी पर कैपिटा इनकम को, अपने ट्रेड को, अपनी सारी चीज़ों को एक इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। उसको समझने के पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बेसिकली जो हमारे देश की इकोनॉमी है वो किन मेन बातों पर डिपेंड करती है। तो जैसा कि हमें सबको पता है तो हमारा देश एक एग्रेरियन इकोनॉमी कहलाता है, और इस समय हमारी जो जीडीपी है उसमें किसी को आइडिया है कि कितना कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है? मतलब अगर देश की आज़ादी के समय मैक्सिमम जो हमें, जैसे अगर हमारा देश 100 रुपये कमाता था तो उसमें मैक्सिमम जो कॉन्ट्रीब्यूशन था वो एग्रीकल्चर सेक्टर का था। और जब भी इकॉनमी एंशंट एज में होती है, पिछड़ी हुई होती है, इमर्ज कर रही होती है, तो उस समय ज़्यादातर जो उस कंट्री का रेवेन्यू होता है वो उसकी एग्रीकल्चर से आता है ज़्यादातर। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमें जो मैक्सिमम रेवेन्यू मिलता था, जो मैक्सिमम इनकम होती थी वो एग्रीकल्चर से होती थी, खेती से होती थी, खेती और खेती से रिलेटेड प्रोडक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो मैक्सिमम उसी से आता था। तो अभी इस समय हमारे देश में अगर 100 रुपये की इनकम हो रही है तो उसमें कृषि का कितना कंट्रीब्यूशन है? 70-80%। ये तो देश की आज़ादी के समय की बात होगी, लगभग इस समय कितना होगा? सबसे कम 20 बताया, 20 कौन कह रहा है? अगर हमारा देश एक एग्रेरियन इकोनॉमी कहलाता है, कृषि प्रधान देश है, तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन तो फिर एग्रीकल्चर का ही होना चाहिए, 20% या उसके नीचे कैसे हो सकता है? तो हमारा देश क्योंकि एग्रेरियन इकोनॉमी है, लेकिन हमारे जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में 14-16% ही है सिर्फ एग्रीकल्चर का, तो फिर हमारा देश एक कृषि प्रधान देश क्यों कहलाता है, कोई बताएगा? अगर हमारे इकॉनमी में एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 14-16% ही है तो हमारा देश फिर कृषि प्रधान देश क्यों कहलाता है? बिल्कुल सही बताया, हाँ बिल्कुल सही बताया कि हमारी मोर देन 50% पॉपुलेशन स्टिल इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क, मतलब या तो डायरेक्टली एग्रीकल्चर कर रही है या तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें कर रही है। तो इसलिए जब देश की आधी से ज़्यादा जनता क्या काम कर रही है, खेती बाड़ी कर रही है, तो फिर इसीलिए हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश कहलाता है। ऑल्दो हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन उसका बहुत मिनिमम है, 15% है, ठीक है, अगर देश 100 रुपये कमाता है तो 15 रुपये ही हम एग्रीकल्चर से कमा पाते हैं, और वो भी 15 रुपये कमाने के लिए हम उसमें 20 रुपये खर्च भी कर देते हैं। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आपको पता है ये जो मैंने वर्ड बोला इसको कोई एक्सप्लेन करेगा कि 15 रुपये कमाने में 20 रुपये खर्च कर रहे हैं? ये कोई बताएगा मुझे किस तरह से? उस बच्चे ने एकदम सही आंसर किया था, उसने कहा था कि हमारे देश में आपको पता है सबसे ज़्यादा सब्सिडी किसको दी जाती है? बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को, पुअर लोगों को, फार्मर्स को। आपको पता है इनकम टैक्स नहीं देना होता है फार्मर्स को, तो सबसे ज़्यादा जो सब्सिडी है, सबसे ज़्यादा रियायतें हैं वो सरकार फार्मर्स को देती है, फार्मर्स को कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, और इसी का फ़ायदा उठा के। तो अगर देश में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 15% का है तो उसको कमाने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सब्सिडीज़ देनी पड़ती हैं, फार्मर से इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है। पहले तो डीजल पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी जाती थी, आपको पता है एलपीजी पे सब्सिडी दी जाती है, और गवर्नमेंट जो है यूरिया पे, पेस्टिसाइड्स पे, सीड्स पे, सब पे बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है। सब्सिडी का मतलब समझते हैं, सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडाइज, सही बता रहे हैं आप लोग, सब्सिडाइज का मतलब सस्ते दाम पे। मतलब अगर किसी प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट 100 रुपये है तो गवर्नमेंट आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सिर्फ 60 रुपये में दे रही है, यानी कि 40 रुपीज़ की सब्सिडी दे रही है। आपको पता है जो इंडियन रेलवे में हम लोग सफ़र करते हैं थर्ड क्लास में, या मतलब सामान्य श्रेणी में जो हम सफ़र करते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट हमें बहुत ज़्यादा सब्सिडी देती है। किसी को आइडिया है इसका कि मतलब वो टिकट का एक्चुअल प्राइस ज़्यादा होता है, हमसे काफ़ी कम पैसा लिया जाता है, पता है आपको? ठीक है, अगर आप कभी टिकट में पलट के देखेंगे, वैसे तो आप लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन जब भी किसी के पास कोई टिकट हो उसको जब पलट के पीछे इंस्ट्रक्शन वगैरह देखिएगा,
उसमें लिखा होगा कि कितना पैसा आपकी टिकट के लिए सरकार ने खर्च किया। मेरे जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है वो 40-50% तक हो सकता है। आप एक बार चेक क्रॉस चेक करके मुझे अगली क्लास में बताइएगा एग्जैक्ट कितना जो है गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, लेकिन काफ़ी बड़ा पोर्शन गवर्नमेंट बियर करती है। और आप सोचो, हर दिन लाखों करोड़ों लोग इंडियन रेलवे में यात्रा करते हैं, उनका अगर वो 30-40% भी बियर कर रही है तो बहुत बड़ा अमाउंट बियर कर रही है। प्लस LPG सिलेंडर्स पे सब्सिडी दी जाती है, घटे हुए रेट पे दिया जाता है। यूरिया, पेस्टिसाइड्स, जो फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, बिजली, वो सब्सिडाइज रेट पे मिलती है, उनको काफ़ी कम पैसे पे करने होते हैं। तो मतलब बहुत सारी रियायतें, इनकम टैक्स लिया नहीं जाता है। तो वो 15 रुपये कमाने के लिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्च करती है। ऐसा क्यों करती है? तो घाटे का सौदा है, ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? गलत सही की चिंता मत करिए कि गलत आंसर दे देंगे, मैं कोई डांटता तो हूँ नहीं कि गलत आंसर देने पे। आंसर दिया ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। एक राजा का क्या कर्तव्य होता है? आप लोगों ने चाणक्य के बारे में सुना होगा और काफ़ी सारे एम्परर्स के बारे में सुना होगा। राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा की ध्यान रखना, देखभाल करना। तो इस समय क्योंकि देश में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में आपका जो संविधान है उसमें क्या लिखा है? देश का जो संविधान है वो देश की जनता द्वारा जनता के लिए बनाया गया है। तो मतलब इसमें जो आम नागरिक हैं वही सब कुछ हैं, सुप्रीम कमांडर वही हैं। सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास समाहित है? जनता के पास। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हर एक इंडिविजुअल सिटीजन बराबर है, चाहे वो एक भिखारी हो और चाहे वो अंबानी हो। दोनों की नज़र कानून की दृष्टि से, सरकार की दृष्टि में और कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि में बराबर है। दोनों की लाइफ की वैल्यू बराबर है। तो इसलिए जो लोग गरीब हैं, जो लोग बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करते हैं, जो पुअर फैमिली से आते हैं, वो किसी वजह से नहीं उतना ज़्यादा अर्न कर पाते हैं, तो ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो टैक्स कलेक्ट करती है उस टैक्स को जनता के वेलफेयर में खर्च किया जाए। इसीलिए इसको हम लोग वेलफेयर स्टेट कहते हैं। और पंडित नेहरू ने जब देश को आज़ादी मिली और उसके बाद उन्होंने देश को चलाना शुरू किया एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने देश को समाजवाद के सिद्धांतों पे चलाया है। समाज मतलब समान सबको अधिकार देना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जिसको कहते हैं, उस कंसेप्ट पे चलाने की कोशिश करी गई है कि जो गरीब है उसको ऐसे नहीं कि मरने के लिए छोड़ देंगे। इसीलिए आपको पता है कि फूड सेफ्टी बिल आया, आपको अभी देखो कंट्रोल में, अभी गवर्नमेंट पिछले 1.5-2 साल से कई बार ऐसा हुआ है कि 3-3, 4-4 महीने फ्री अनाज दिया गया है। गेहूं, चावल, दाल, ये सब सारी चीज़ें फ्री में दी जाती हैं या फिर 2-4 रुपये की KG के रेट पर दी जाती हैं, जो कि नेग्लिजिबल अमाउंट होता है। गवर्नमेंट स्कूल्स में फ्री में एजुकेशन देती है अप टू 12th class तक। उसके बाद फिर PhD करने के लिए, BTech करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, आप लोग जैसे पढ़ाई करते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो जिनकी सारी सब कंडीशन अच्छी होती हैं, फर्स्ट क्लास आए होते हैं वो 12th में, उनको स्कॉलरशिप भी मिलती है। गवर्नमेंट के पास पैसा होता तो आता है। तो मतलब अरबों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है गवर्नमेंट इन्हीं सब कामों में। क्यों? क्योंकि यही काम है सरकार का, सारे लोगों को जीने का समान अधिकार देना। इंडियन इकोनॉमी में हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारा देश एक वेलफेयर स्टेट है, गरीब अमीर सब लोग बराबर हैं। और जनरली गवर्नमेंट क्या करती है? अमीरों से पैसा लेके गरीबों में बांटती है। इसीलिए वो अल्ट्रा HNI पे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स पे, अमीर लोगों पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती है। 30% टैक्स, 50% टैक्स, उसके ऊपर सेस लग जाता है, फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं। जो 50 लाख के ऊपर कमाते हैं या जिनकी इनकम करोड़ों में है, उनका अगर देखा जाए तो अगर वो फेयर तरीके से टैक्स भरें तो 50% तो टैक्स चला जाएगा, उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में लगभग 70% पैसा, यानी 1 करोड़ अगर कमाएंगे तो 70 लाख का टैक्स हो जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ला के। लेकिन वो क्योंकि इतने स्मार्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं से वो टैक्स एविजन के तरीके और अवॉइडेंस के तरीके ढूंढ लेते हैं। सभी लोगों को समान अधिकार दिए जाते हैं, एग्रेरियन इकॉनमी है। GDP में, ये सब पॉइंट नोट करते रहिएगा अपने पास, GDP में हमारे एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 14-16% रहता है। और 14-16% कमाने के लिए भी गवर्नमेंट बहुत खर्च करती है, क्योंकि उनको पता है कि फार्मर्स ज़्यादातर वो रूरल एरिया को बिलोंग करते हैं, पुअर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। हमारे देश का किसान बहुत अमीर नहीं है, लेकिन क्योंकि फार्मर्स को टैक्स नहीं देना पड़ता है, इसलिए आपको पता है सारे पॉलिटिशियन और जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो सब इस समय फार्मर हैं। अगर आप उनका इनकम टैक्स स्टेटस देखोगे तो हो सकता है पता चले अमिताभ बच्चन साहब भी फार्मर हैं। हाँ, मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ,
लेकिन ज़्यादातर सेलिब्रिटी ऐसा करते हैं कि टैक्स अवॉइड करने के लिए फार्मर बन जाते हैं, क्योंकि उसमें उनको पता है कि जो फार्मिंग से इनकम होती है उस पर टैक्स नहीं देना होता है। तो बड़े बड़े स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं, ये सब बड़े बड़े नेता, ये सब क्या करते हैं, फार्मर दिखाते हैं अपने आप को, खेती करते हैं या फार्मिंग से इनकम आ रही है, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका दिखा दिया इतना फार्मिंग से आया तो उस पर कोई टैक्स ही नहीं देना है, तो ये सब करते हैं। तब जो ये नियम बनाए गए हैं गरीब लोगों के लिए, उसका फ़ायदा अमीर लोग उठा रहे हैं। पहले क्या था, डीजल में बहुत सब्सिडी मिलती थी, बहुत सस्ता डीजल मिलता था, तो होता क्या था, वो फार्मर्स के लिए बनाया गया था कि वो जो ट्रैक्टर चलाएंगे, जो अपना इंजन चलाएंगे, थ्रेसर चलाएंगे, जेट पंप चलाएंगे, वो अपना ट्यूबवेल चलाएंगे, उसमें उनको डीजल लगेगा तो वो सस्ता मिले, तो सस्ता डीजल मिलेगा तो उनकी क्रॉप की जो लागत है, पैदावार की लागत है, वो कम आएगी तो उनको पैसा बचेगा। लेकिन हुआ क्या, लोग बड़ी बड़ी एसयूवी ले आए, बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बना दिए, ट्रक बना दिए, मशीनें बना ली, उसमें वो उस सब्सिडी वाले डीजल का इस्तेमाल करने लगे। गवर्नमेंट भी चला के इन्होंने क्या किया, पेट्रोल और डीजल को डीरेगुलेट कर दिया, सब्सिडी खत्म। अब किसानों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाता है, जिसको कहते हैं DCT, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, DCT। इसमें क्या होता है कि सब्सिडी धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, जो बेनिफिशरीज हैं उनके अकाउंट में सीधे पैसा आ जा रहा है। क्यों, कैसे, इसे पहले LPG पे सब्सिडी मिलती थी, तो LPG में पता चला नेताजी के घर में 25 सिलेंडर लगे हुए हैं, क्योंकि उनके यहाँ इतने सारे लोग हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, नेताजी को 25-25 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिल रहे हैं। तो इसीलिए एक कैंपेन गवर्नमेंट ने भी चलाया था कि अपनी गिव अप कर दीजिए, जो अमीर लोग हैं जो अपना अफोर्ड कर सकते हैं वो अपनी सब्सिडी गिव अप कर दें। तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं इंडियन इकॉनमी की शुरुआत कैसे हुई और इकॉनमी होता क्या है। तो आपको पता है कि इकॉनमी की जो ग्रोथ है, जैसे कि एग्रीकल्चर 15% देती है, सर्विस सेक्टर का 50% का कंट्रीब्यूशन होता है, लगभग 25% का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हैं। अब जैसे हम लोग अमेरिका को इकोनॉमिकल सुपर पावर मानते हैं, अमेरिका इकोनॉमिकल सुपर पावर क्यों है, या चाइना सेकेंड लार्जेस्ट या PPP में तो पहले नंबर पर कंट्री है इन टर्म्स ऑफ मतलब साइज ऑफ GDP पे अगर देखें तो अमेरिका और चाइना दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। तो ये ऐसा क्यों है, शुरुआत में तो अमेरिका भी गुलाम था, अंग्रेजों की कॉलोनी थी, जैसे इंडिया एक अंग्रेजों की आप लोगों को पता है, जिस तरह से अंग्रेजों की एक कॉलोनी इंडिया थी, उसी तरह से अंग्रेजों की एक कॉलोनी अमेरिका भी थी, उसी तरह से अंग्रेजों यूरोपियंस की कॉलोनी चाइना भी थी। चाइना, अमेरिका, इंडिया, इनका लगभग एक ही जैसा हिस्ट्री है, तीनों यूरोपियंस की कॉलोनी थी, कॉलोनी मतलब उन्होंने तीनों देशों में शासन किया है, चाइना को भी गुलाम बनाया था, अमेरिका को भी गुलाम बनाया था और इंडिया को भी गुलाम बनाया था। लेकिन क्या रीज़न है कि अमेरिका और चाइना दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, क्या रीज़न है ये कोई मुझे बताओ। बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, सही बताया। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, अमेरिका का एक इंडेक्स है NYSE FANG+। तो फैंग प्लस एक ऐसा इंडेक्स है जिसमें अमेरिका और चाइना की टॉप 10 कंपनियाँ आती हैं, कुछ 10 टेक जाइंट्स आते हैं। कौन कौन से, F स्टैंड फॉर फेसबुक, A फॉर अमेजोन, N फॉर नेटफ्लिक्स, G फॉर गूगल अल्फ़ाबेट जिसकी पैरेंट कंपनी है, ठीक है, NVIDIA, बाइजूस, अलीबाबा, एप्पल। तो ये जो कंपनियां हैं, इनकी पता है ये जो 10 कंपनियां हैं इनकी टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, more than $7 trillion। और इंडिया एज अ कंट्री की, पूरी देश की टोटल इकॉनमी का साइज़ पता है, बताइए क्या है, हमारे देश की इकॉनमी का साइज़ अप्रॉक्स कितना होगा, कोई अंदाजा किसी को, तो अप्रॉक्स 3 trillion है, और घट गया होगा 2.75 trillion के आसपास होगा। हमारे देश की जिसमें 150 करोड़ के आसपास की आबादी है, उस पूरे इतने बड़े देश की इकोनॉमी का साइज 3 trillion और कुछ कंपनियों का साइज 7.5 trillion, समझ रहे हैं, खाली अमेजोन और एप्पल ही इंडिया की इकॉनमी से बड़ी हो गई होंगी, इंडियन इकॉनमी से काफ़ी बड़ी हो गई हैं ये कंपनियां, मतलब एक एक दो दो कंट्री के बराबर हैं। और इवन कुछ इंडिविजुअल जैसे जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, ये सारे लोग एक एक इंडिविजुअल की वेल्थ जो है वो 50-50, 100-100 देशों के बराबर हो रही है। तो इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, मतलब इतना ज़्यादा वेल्दी लोग हो गए हैं। और दुनिया के सिर्फ 42 लोगों के पास लगभग मेरे ख्याल से दुनिया का 60-70% वेल्थ है, सिर्फ 42 लोगों के पास, आप समझ रहे हैं हमारे इस ग्रह की टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, 7 अरब
यानी 7 बिलियंस के आसपास होगी, क्योंकि इंडिया की 1.5 हो गई मान लो, चाइना की 1.5 हो गई, तीन तो यही हो गए तो, और दुनिया का हर पांचवा इंसान इंडियन है, और लगभग इंडिया चाइना की पॉपुलेशन ही 40% हो रही है, तो लगभग ये मान के चलते हैं 7-7.5 अरब की पॉपुलेशन है हमारे पूरे प्लानट की। 7 अरब की पॉपुलेशन एक तरफ और 40-50 लोग एक तरफ, तो मैक्सिमम वेल्थ उन 40-50 लोगों ने कॉन्सेंट्रेट कर रखी है। आप सोचिए कितना डिस्पैरिटी है, ये बहुत बड़ा मतलब, ये जो इंडियन इकोनॉमी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ये इसीलिए पढ़ाया जाता है कि आपको पता चले कि मतलब हम लोग क्या है, कीड़े मकोड़े से भी ज़्यादा बुरा हाल है। 7 अरब लोग के पास जो वेल्थ होगी वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास उसकी 80-90% वेल्थ है, 70-80% वेल्थ वो कॉन्सेंट्रेट करके बैठे हुए हैं, बाकी 20-25% वेल्थ में वो पूरे 7 अरब लोग गुजारा कर रहे हैं, उसमें भी लड़े मरे जा रहे हैं आपस में, रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, इनइक्वलिटीज़ के नाम पे, कलर के नाम पे, अमेरिका में रंग भेद का होता है काला गोरा, उसमें लड़ाई हो रही है, किसी दूसरे कंट्री में अभी देखो पैलेस्टीन और इसराइल आपस में लड़ रहे थे, ज्यूस और मुस्लिम, कहीं पे क्रिश्चियन और किसी का मुस्लिम का क्लैश होता है, कहीं हिंदू मुस्लिम का होता है, कहीं किसी, इवन एक विद इन मतलब एक कम्युनिटी के अंदर ही और क्लैशेस होते रहते हैं, तो मतलब इतना ज़्यादा हम लोग की बुरी स्थिति होते हुए भी, क्यों बुरी स्थिति इसलिए है क्योंकि हम लोग कभी ब्रॉड विज़न नहीं करते हैं, तो ये जो पढ़ाई कराई जाती है इसलिए आपको कराई जाती है कि पहले ये देखो कि हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, मतलब हम लोग क्या होता है अपने बहुत नैरो मानसिकता में होते हैं, हम आसपास की चीज़ें देख रहे होते हैं बस, मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरा परिवार, मेरी जाति, यही से हम लोग देख रहे होते हैं। जब आप बड़ा हो के थोड़ा ब्रॉड व्यू में देखते हैं तो आपको पता चलता है यार आप तो इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे प्लैनेट में तो बहुत निग्लिजिबल हैं, कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहे हैं, और जो बड़े लोग हैं वो सारी इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, उनका मेन कॉन्सेंट्रेशन होता है उनका डेवलपमेंट, कि उनको कैसे आगे बढ़ना है, उनकी स्किल्स कैसे आगे बढ़नी है, तो हर दिन अगर आप 1% भी इम्प्रूव करते हैं तो साल भर में आप 365% इम्प्रूव कर जाएंगे, 300% से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ चुका होगा आपके अंदर, तो हर दिन 1% भी इम्प्रूव करेंगे लर्निंग में, हैबिट्स में, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये जो आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, अभी तो हम जस्ट आपको इसका बेस बता रहे हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो मैं आपको आपसे मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिका और चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी क्यों है, तो उसका रीज़न ये है क्योंकि अपने देश में प्रोडक्ट बनाती हैं, पूरी दुनिया में बेचती हैं, तिजारत करती हैं, ट्रेड करती हैं, प्रोडक्शन बेस्ड इकोनॉमी है, अमेरिका के प्रोडक्ट पूरी दुनिया कंज्यूम करती है, एप्पल हो गया, गूगल हो गया, जो हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं गूगल मीट पे, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, व्हाट्सएप पे अभी आपको लिंक भेजा था, ट्विटर दिन भर चलता रहता है, नेटफ्लिक्स सब लोग देखते रहते हैं, यूट्यूब मैं खुद पर्सनल 5-5, 6-6 घंटे यूट्यूब चलाता हूँ डेली, क्यों, क्योंकि उसमें लर्निंग बहुत मिलती है, वीडियो बहुत काम के हैं, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिलती हैं, उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहीं से भी नहीं मिल सकता, शायद कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के लेवल का जो नॉलेज है वो इस समय यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर रही हैं और उसका वो पैसा भी चार्ज कर रही हैं, इसीलिए तिजारत ट्रेड ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं पूरी दुनिया में और वहाँ से पैसा आपकी तरफ आ रहा है। अमेरिका और चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी क्यों है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, चाइना के प्रोडक्ट पूरी दुनिया खरीद रही है, वो सस्ते प्रोडक्ट बनाती है, और अमेरिका के जो प्रोडक्ट है वो ब्रांडेड होते हैं, क्वालिटी में बहुत अच्छे होते हैं, और एक और कमाल की बात, अमेरिका प्रोडक्ट बनाती है लेकिन अपने देश में नहीं बनाती है, अमेरिका प्रोडक्ट अगर एप्पल की एप्पल आईफोन बना रहा है तो वो चाइना में और इंडिया में फैक्ट्री लगा रहा है, क्योंकि उनको पता है इंडिया का लेबर सस्ती है, चाइना की लेबर सस्ती है, स्किल्ड भी है, सस्ती भी है, और इंग्लिश भी समझ रही है, इंडिया के लोग इंग्लिश भी समझ रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट भी बना रहे हैं लेकिन वो प्रोडक्ट में जो लेबर वाला काम है वो हम लोग से करा रहे हैं, अब पैसा उनके पास जा रहा है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, सर्विस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, इंडिया एक ऐसी इकॉनमी है, इसमें को कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, सबसे पहले एग्रेरियन इकॉनमी होती है, फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इकॉनमी होती है, मतलब जो कंट्री होता है पहले एग्रेरियन इकॉनमी होता है, फिर धीरे धीरे वो मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करता है, फैक्ट्री लगाता है, फिर उसके बाद वो सर्विस में शिफ्ट होता है। तो अमेरिका क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी छोड़ चुका है, अब उसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग किसको दे दी है, चाइना को दे दी है, वो सर्विस सेक्टर पे जा रहा है, इनोवेशन कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, और इंडिया क्या कर रहा है, सीधे थर्ड सेक्टर पे जंप कर रहा है,
हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो आज़ादी के समय जितना जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था 15-20%, अभी भी वही 25% के आसपास कर रहा है, और हमने सीधे थर्ड स्टेप पे जंप कर दिया है, हमने सीधे सर्विस सेक्टर में आ गया, सर्विस सेक्टर हमारी जीडीपी में 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये एक अच्छी भी बात है, ख़राब भी बात है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि जो दुनिया में वो कंट्री ग्रो करेगी, बहुत अमीर बनेगी, जो सामान बनाएगी, प्रोडक्ट और सर्विसेज, कुछ भी हो सकता है, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे सर्विसेज हो, बना के पूरी दुनिया में बेचेगी, वही सबसे ज़्यादा अमीर बनेगा। इसीलिए अमेरिका और चाइना सबसे अमीर है। तो जब हम उनसे अच्छा प्रोडक्ट घर में बना सकते हैं, इसमें कोई इनोवेशन की ज़रूरत नहीं है, पिज्ज़ा बनाने में बर्गर बनाने में क्या इनोवेशन की ज़रूरत है, कोई रॉकेट साइंस है? उससे ज़्यादा टेस्टी बर्गर मैकडी से हम लोग घर में बना सकते हैं। किसी की आंटी, किसी की मम्मी, कोई ना कोई फैमिली में ऐसा होगा जो बहुत अच्छा, उससे अच्छा बना देता हो, किसी ने भी मैकडी का आलू टिक्की बर्गर खाया होगा, 30 रुपये का आता है मेरे ख्याल से। तो उस आलू टिक्की बर्गर से अच्छा बर्गर क्या कहीं नहीं खाया आपने, आपके मोहल्ले की दुकान में ही खाया होगा। मेरे ख्याल से मैकडी से अच्छा बर्गर अरोमास का होता है। इसने बिल्कुल सही आंसर दिया है मेरे क्वेश्चन का। बेसिकली डोमिनोज और मैकडी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेस पर नहीं काम कर रहे हैं, उनका मैकेनिज्म सिस्टम बहुत अच्छा है, उन्होंने एक स्केलेबल मॉडल डेवलप कर लिया है। मैकडी से अच्छा बर्गर आपके मोहल्ले की दुकान में मिलता होगा, अगर आप बहुत सारे ऐसे फास्ट फूड सेंटर हैं वहाँ आप चले जाएंगे तो आपको उससे अच्छा पिज्ज़ा और बर्गर दे देगा वो। कोका कोला का प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज है लेकिन ये लोग इतना स्टैंडर्ड नहीं यूज़ करते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था इनके पास सिस्टम है, वो सिस्टम के बेस पे वो इतना पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने वो जो फास्ट डिलीवरी का, उसने लिख के भेजा है, बहुत अच्छा आंसर दिया, जो फास्ट डिलीवरी का सिस्टम डेवलप किया है उसका पैसा है, उनके बर्गर का पैसा नहीं है। उससे अच्छा बर्गर हमें मोहल्ले में मिल सकता है, हो सकता है हमारी मम्मी बना दें या कोई ना कोई फैमिली में बना सकता है जिसको थोड़ा कुकिंग आती है। मैं फिर से वापस आता हूँ इंडियन इकोनॉमी पे, तो मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, आपको ऐसे प्रोडक्ट, सर्विस या सिस्टम डेवलप करने हैं जो स्केलेबल हो। मैकडी ने क्या किया, एक ऐसा मॉडल बना दिया कि पूरी दुनिया के हर देश के हर शहर में उन्होंने स्टोर ओपन कर दिए हैं। तो वो मॉडल बहुत ज़बरदस्त मॉडल है, इसकी वजह से वो पैसा कमा रहे हैं। तो हमें एक चीज़ समझ में आई कि अगर आपको इकोनॉमिकली सुपर पावर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट और सर्विसेज अपना डिलीवर करने पड़ेंगे अक्रॉस द ग्लोब। यहीं पे फिर हम लोग ये क्लास ख़त्म करेंगे। तो इससे हमें बस एक चीज़ ये समझ में आई, ये जो आपको पिक्चर दिखा रहा था, तो मैं आपको एक चीज़ और चलते चलते बता देता हूँ, एक मिनट में बहुत इंटरेस्टिंग आपको फैक्ट मिलने वाला है कि आपको क्या पता है कि इस समय जो जब अंग्रेज़ों ने हमें आज़ाद किया था तो पूरी दुनिया की ट्रेड एंड कॉमर्स में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 1-2% बचा था, मतलब बिल्कुल लूट के एकदम अधमरा करके छोड़ दिया था, हमारी इकॉनमी को ख़त्म ही कर दिया था, लगभग जीरो के आसपास पहुंच गए थे हम लोग ग्लोबल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में, जबकि हमारे पास पॉपुलेशन उस समय भी काफ़ी ज़्यादा थी, हमारी पॉपुलेशन हमेशा काफ़ी ज़्यादा रही है पूरी दुनिया में। तो ये जो ट्रेड है वो ये बताता है कि पहले हमारे यहाँ व्यापार होता था, ये अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, ये सब आए, व्यापार करते थे, अपने देश से सोना लाते थे, हमें सोना देते थे और हमारे यहाँ से स्पाइसेस, दूसरी दूसरी कमोडिटीज़ ये लेके अपने देश में बेचते थे। इसीलिए हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है, और पूरी दुनिया का सोना घूम फिर के हिंदुस्तान में आके जज हो जाता था, यहीं पर आके डंप होता था, और यहाँ की चीज़ें पूरी दुनिया में फैलती थी। इसीलिए यहाँ के व्यापारी बहुत समृद्ध थे, बहुत दूर दूर तक व्यापार होता था। और आपको पता है अमेरिका की खोज क्यों करी गई थी, क्रिस्टोफर कोलंबस हिंदुस्तान की खोज पे निकला था, अमेरिका से उनको कोई लेना देना नहीं था, और इसीलिए वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो गलती से वहाँ पहुँचा, उसने सोचा कि ये अमेरिका इंडिया पहुँच गए, तो उसने वहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन नाम दिया, तो इंडिया की खोज में निकला था। वास्को डिगामा जो हिंदुस्तान आया वो भी इसीलिए आया था कि वो खोजे हिंदुस्तान को और यहाँ से तिजारत करे, ट्रेड करे। तो आपको पता है एक समय ऐसा था कि पूरी ग्लोबल जीडीपी में हिंदुस्तान इकोनॉमिकल सुपर पावर था, ये पता है किसी को? और ये एक दो दिन नहीं रहा है, ये हजारों सालों तक हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिकल सुपर पावर थे, हजारों हजार साल तक। डेटा मैं आपको दिखाता हूँ और दिखाने के बाद क्लास को ख़त्म करते हैं। ये देखिए, ये जो ग्राफ है ये ईसा मसीह के जन्म से लेके 1000 साल तक का है, और ये जो येलो वाली लाइन है ये इंडिया की इकॉनमी को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पे देखिए इंडिया की इकॉनमी सबसे ऊपर है, उसके बाद चाइना, और ये पूरे यूरोप की इकॉनमी है,
लाइट ब्लू, और अमेरिका तो जीरो पे है, ठीक है, अमेरिका का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। ये ग्रीन वाला मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं पूरे सारे मिलके, और यूरोप के सारे देश मिलके हैं ये, और ये एक हिंदुस्तान है। तो हजार साल तक हम लोग इकोनॉमिकल सुपर पावर थे, और एक समय ऐसा था लगभग दुनिया की जीडीपी का 40-50% कंट्रीब्यूशन सिर्फ हिंदुस्तान करता था। यानी कि मौर्यन डायनेस्टी के समय चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे देश को, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ये सब हमारे देश की सीमा में शामिल थे उस समय। तो उस समय हमारा जो वर्ल्ड इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन था वो 50% था, यानी पूरी दुनिया मिलकर 100 रुपये कमा रही है तो हिंदुस्तानी अकेले 50 कमा रहे हैं। तो इस चीज़ को और डिस्कस करेंगे। मज़ा आया ये सब फैक्ट्स के बारे में सुन के, आपको अच्छा लग रहा है, इकॉनमी में इंटरेस्ट आ रहा है, तो और पढ़िएगा इन सब चीज़ों के बारे में, और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।